मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम के तहत आज ब्रॉडसन कमोडरीज प्राइवेट लिमिटेड हिमांशु कॉम्प्लेक्स कोयलवर्द के द्वारा परेव गांव में स्थित अब्दुल वारी पुल के उत्तर पेट्रोल पंप के पास वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार निदेशक ब्रॉडसन ने कहा कि 3000 पेड़ लगाए गए जिसमें आम पाकुड़ कटहल शीश नीम शीशम पीपल आदि प्रमुख वृक्ष हैं। इस तरह के कार्यक्रम इस क्षेत्र में निरंतर चलाए जाने की योजना बनाया जा रहा है। प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ होने से संतुलन बिगड़ता है और उसे संतुलित करने में पेड़ लगाने का काम इसके चरण की पहली सीढ़ी है। उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण भाइयों से अनुरोध किया कि आप सब लोग पहले अपने घरों में अपने पास कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। इससे दो काम होंगे, एक तो आपके पास हरियाली होगी, दूसरे राज्य सरकार की योजनाओं का और विकास में आपका सहयोग होगा। उक्त अवसर पर बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक सहायक निदेशक जिला परिषद पटना के कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति सोनी भोजपुर सकड़ी के मुगरिया स्मृति श्वेता सिंह वरिष्ठ समाजसेवी रामेश्वर एवं जिला खान पदाधिकारी बीटा थाना प्रभारी बीटा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पेड़ लगाए। विक्रम विधानसभा क्षेत्र परेव के समाजसेवी श्री जीवन कुमार पूर्व विधायक श्री अनिल शर्मा समाजसेवी कृष्ण मोहन संजय सिंह सुभाष प्रसाद यादव शत्रुघ्न। उक्त अवसर पर समाजसेवी श्री जीवन कुमार ने कहा कि जल जीवन और हरियाली के तहत परेव गाँव के चारों ओर योजना बनाकर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। इस गाँव को हरा बनाने में अग्रणी बनाए जाने की सोच में रखता हूँ और इसे साकार करने की दिशा में शीघ्र ही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट नीरज कुमार। और अरवा जिले में पेड़ नहीं लगाया जाएगा। प्रोडक्शन कमिटीज प्राइवेट लिमिटेड अपने CSR के अंतर्गत पेड़ भी लगाएगी, शौचालय भी बनाएगी, पुस्तकालय भी बनाएगी, चिकित्सा की भी व्यवस्था करेगी और पानी का भी व्यवस्था करेगी। सभी जगह पानी भी है और जहाँ जहाँ काम होता है प्राथमिक उपचार का भी व्यवस्था है प्रोडक्शन कमिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से और अन्य कंपनियों में। जैसे उस दिन हम लोगों की अध्यक्षता थी, प्रधान सचिव महोदया की अध्यक्षता में पटना में मीटिंग हुआ था, इसमें